Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pew College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 10 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 6 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 95। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। इससे पहले भी हमने कई बार आपको बताया कि किस तरह से गुलबर्गा के अंदर पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की सर्जरी नहीं हो रही है, कई सारे लोगों की जान भी जा रही है। चलते हुए गुलबर्गा के अंदर नो योर राइट्स एसोसिएशन काफ़ी इफेक्टिवली इस पर काम करते जा रहा है और एक जो PIL लॉन्च किया गया था अब्दुल रजाक की तरफ से, उस पर हाईकोर्ट का एक बड़ा स्टेटमेंट आते हुए उन्होंने ये कहा, एक ऑर्डर पास किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि डिसीजन ले इमीडिएटली ताकि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विंग शुरू हो जाए और यहाँ पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अपॉइंट हो या जिम्स में, यानी गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर जयदेव इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, दो में से एक जगह पर ये सेंटर होना जरूरी है। एक डिविजनल बेंच जहां पर जस्टिस अभय ओका, NS संजय गौड़ा ने ऑर्डर को पास किया था। काफी अच्छी बात यहां पर नजर आ रही है कि गुलबर्गा शहर का जो मामला चल रहा है उस पर हाईकोर्ट बात कर रही है और जल्द से जल्द यहां पर एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असद मवीसी पहुंचे गुलबर्गा शहर, पदयात्रा की कई सारे वार्ड में और की MIM की जम के कैंपेनिंग। कॉर्पोरेशन इलेक्शंस 3 तारीख को हैं और MIM माहौल बनाते हुए कई सारे कैंडिडेट्स के जो ऑफिसर्स थे वहां पर उन्होंने ओपनिंग भी की। एक और खास बात बताएं, सतुत नवीसी की इस विजिट के अंदर उन्होंने दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसोतराज रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की सज्जादा नशीं डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब से। इस मौके पर जनाब अली अल हुसैनी साहब, आकिब उल हुसैनी साहब, इलियास सेठ, जनाब अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद रहे। गुवाहाटी टीम ने एक्सक्लूसिव कवरेज लिया जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिस्कशन भी हुई और मौजूदा हालात पर भी बात हुई। कॉर्पोरेशन इलेक्शंस की गर्मा गर्मी तो चल रही है, उसके अंदर एक अहम बात जो असद नवीसी ने कही, वार्ड नंबर 29 के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहीर अहमद खान को उन्होंने तायीद किया, ने सपोर्ट किया है। MIM यहां पर कंटेस्ट नहीं कर रहा है और जहीर अहमद खान को सपोर्ट करने की बात असद नवीसी ने कही। अल्लाह ताला ये कामयाब होने के बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार करेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहीद साहब को कामयाब करिए और अपनी पार्टी को, इलियास सेठ साहब को और पूरे जमात की क़यादत को मजबूत करिए, क्योंकि आज गुलबर्गे में आपको अपनी ये क़यादत को बनाना, मैं यहाँ पर अपनी ज़ातियत के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूँ। आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि जब तक इतने बड़े शहर में जहाँ पर आपकी तारीफ है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपकी मेहनत की कुर्बानियों की निशानियाँ हैं, अगर यहाँ पर आप अपनी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। हम यसीब और यसीर नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी या कोई JDS या इन तमाम से इनके मोहताज रहे। मैं बार बार पूरे मुल्क में इस बात को कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करें और जब तक आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपनी क़यादत को मजबूत नहीं कर सकेंगे। तो ये आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको जहन में रखिए और जहां पर मजलिस के उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करिए, यहां से जहीर खान साहब तायीद उम्मीदवार हैं उनको कामयाब करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।